पाप। दुनिया विच मनुख वास्ते पाप एक बहुत खतरनाक बला है, जो बिल्कुल झूठ ते धोखे दा बनिया होया। ये दोस्ती दी शक्ल विच आउंदा ते बड़े स्वादले खुशी दे सुनेहे लिया के दिंदा है। मनुख नूं भरमा के अपने वस विच करके मगर ला लैंदा है। इस दे झूठे दावियां विच पहलों सबज बाग दी सैर ते पिछों अपने बचा दियां उम्मीदां भरियां हुंदियां ने, पर विच्चों बिल्कुल खोखलियां उम्मीदां हुंदियां ने। पाप करन दियां तस्वीरां पूरी कामयाबी दे रंग विच पेश करदा है ते सजा तो बचण दे रस्ते भी दसदा है। मनुख नूं पाप करन लई तैयार कर देंदा है। पाप नूं अपनियां कमजोरियां दा पूरा पता हुंदा है। इस वास्ते हमेशा अपना काम हनेरे विच रात वेले जां लुका छिपा के इकली थां ते करेगा। यह जानदा है कि खुल्लम खुल्ला इस नूं कामयाबी नहीं मिलनी, बल्कि बर्बादी हो जाएगी। पाप विच अपने अंदर ही नाश हो जाण वाली एक चिंगाड़ी हुंदी है, जो कदे जल्दी ते कदे देर नाल पाप दा भी नाश कर देंदी है ते पाप करन वाले मनुख दा भी सत्यानाश कर देंदी है। पाप दी सजा मिलनी अवश्य है, जो कि पाप दे स्वाद नालों कई गुणा ज्यादा हुंदी है। पाप धोखा ही धोखा है ते इस दे इकरार भी सिर्फ छलावा ते पखंडी हुंदे ने, जिस विच कोई असलियत नहीं हुंदी। पाप दी सजा दी मुआफी भी हो सकती है, जिस दे बारे विच असीं अंत विच विचारांगे। पाप पहलों ख्यालां विच दाखल हुंदा है ते इस तरह चुप कीता आउंदा है भई पता ही नहीं लगदा। जिहड़ा मनुख चुकन्ना हो जांदा है ते इहनूं कढ देंदा है, उह कामयाब हो जांदा है। जिहड़ा इहनूं अपने अंदर जाण बुझ के जां अणभोल बिठा लैंदा है, फिर एडी बला बन जांदा है भई इसनूं कढ़ना ही औखा हो जांदा है। जे पाप नूं कुछ देर अंदर रहण दिता जावे तां इह वध के बड़े भैड़े प्लैन बना लैंदा है, जिन्हां दा नतीजा बड़ा खतरनाक हो जांदा है। मन नूं अशांत कर देंदा है। शरीर ते बीमारी दी शकल विच दिस पैंदा है। मनुख दे आले दुआले दीआं हालतां विच अशांति पैदा करके मनुख दी दुनिया काली, घाटे वाली ते खतरियां नाल भरी हुई बना देंदा है। हां, आत्म साइंस दा यह फैसला है कि बीमारियां थोड़ा घाटे, लड़ाई झगड़े ते बेरसी बहुत दर्जे तक पाप दा ही प्रकाश मान ने। बहुत सारे पाप एहो जे ने जिहड़े असीं करदे ते हाँ, पर उहनां नूं पाप नहीं समझदे। मिसाल दे तौर ते किसे कोलों चीज मंगवा लई, हुण उसनूं बिल भेजना याद नहीं रहा ते आपे याद करा के असीं मुल नहीं भेजदे। मन नूं इह कह के तसली दे लैने आ बई जे दुकानदार ने बिल ही नहीं दिता ते उसदी गलती है, ते अपनी गलती दा नतीजा भुगते। दूसरी उदाहरण, नौकरां ते अपने महकमे दे अपने अधीन अफसरां नूं अपने हर कसूर ते सख्त सजा देने आ। मुआफी देनी कदे भी साडे मन विच नहीं आउंदी ते अपने मन नूं इह तसली देने आ बई मेरा रोह भी तां बणिया रह सकदा है जे मैं नौकरां ते डर रखा ते सजा दे के उन्हां नूं खबरदार करी रखा। इस तरह मनुख जदों अपनियां गलतियां भुल्लां ते पापां दी मुआफी वास्ते वाहिगुरू अगे झोली अड़दा है तां उथों जवाब आउंदा है
तू किन्या कुनु मुआफी दिती है, जेड़ा हुण आप मुआफी लैण आ गया, जा तेरे वास्ते दरवाजा बंद है। वाहिगुरु ते प्रेम ही प्रेम है, जिस दे मन विच कोई प्रेम नहीं उस दे मन विच वाहिगुरु नहीं। जेड़ा मुआफी देना नहीं जानदा उसनु मुआफी लैण दा भी कोई हक नहीं हुंदा। सजा देनी किसे वेले जरूरी हो सकती है, पर ओनी कु जिस नाल किसे कसूरवार दा सुधार होवे। सजा देन वेले देन वाले दे दिल विच हमदर्दी जरूर होनी चाहिए। उदाहरण नंबर 3, अपनी नौकरी विच चंगी तनखा लेंदियां ते व्यापार विच रजवां लाभ हुंदियां भी होर मुनाफे ते लाभ वास्ते कोशिश करनी। दूजियां दी वारी ये कहना भई इस नूं ते पहलों ही बहुत लाभ हो रहा, तरक्की दी लोड़ नहीं, अते दूसरे व्यापारी दे होर लाभ लैण दे रस्ते विच रुकावटां पाउणियां ते ईरखा करनी। चौथी उदाहरण, होर इसे तरह नफरत करनी, चुगली करनी, तो मतलाउणी, ये भी सारे पाप ने। पंजवां, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी सानू ये उम्मीद दिवांदी है कि पाप दी मुआफी सजा भुगतन तो बिना भी हो सकती है। एक पक्का ते कदे भी ना बदलन वाला कुदरती असूल है कि जेकर पाप करन वाला दिलों पाप दा पश्चाताप करे ते अगे तो पाप ना करे, उसकी रुचि खत्म हो जाए, मन बिल्कुल साफ हो जाए, तो फिर पाप की सजा नहीं मिलेगी। जदों उस मनुख दे अंदर पाप की कोई मैल ही नहीं रही जिसनू सजा नाल धोना है, तो फिर सजा किस चीज नू देनी है। इस दे उल्ट जेकर कोई चोर चोरी करके उसकी कैद भुगत भी आया पर उसने चोरी की वादी नहीं गवाई, तो उसकी सजा कायम रहेगी, कदे भी सजा भुगती नहीं गई। उसनू कुदरत वालों सजा जरूर किसे ना किसे रूप विच मिलती ही रहेगी, भावें बीमारी की शक्ल विच आवे ते भावें किसे होर तकलीफ की शक्ल विच आवेगी जरूर, ते टल नहीं सकती। ए याद रहे कि कुदरत का मतलब सजा दे के सुधार करन दा हुंदा है, बदला लैण की मनशा नहीं हुंदी। पाप नूं मन विच्चों कढ़न वास्ते इंसानी कोशिशां आम तौर ते सफल नहीं हुंदियां। मन नूं पाप दी सजा दियां ठोकरां लगदियां ने तां मनुख पाप दा त्याग करन लई तैयार हो जांदा है, पर जदों पाप दा स्वाद याद आउंदा है तां इंसानी कमजोरी फेर पाप करवा देंदी है। इस तरह मनुख हमेशा दी दौड़ भज विच रहिंदा है पर पक्की कामयाबी कदे भी नहीं मिलती। इको ही रस्ता है ते ओ है आत्म साइंस एक उच्ची आवाज विच पुकार रही है, आओ सदा दा सुख लै लो, वाहिगुरु दी शरण विच ही तुहाडा सुधार है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच गुरु साहिबान ने असली ते सच्चे तजर्बे नाल इस पासे दी पूरी गवाही दिती है, अते जिस ते शक तो बिना असी पूरा विश्वास कर सकने हैं। कुदरत दा कानून ए पक्का रस्ता सानू दस रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नू समझ समझ के पाठ करन नाल ते सर्वव्यापक वाहिगुरु नू हर वेले अपने कोल वेखन नाल एक हैरानी वाले नतीजे पैदा करदा है। वाहिगुरु दे कोल होण नाल जिथे उस दे सारे गुण मनुख विच प्रगट होने शुरू हो जांदे ने, ते उस महाशक्ति नूं कोई दुनियावी ताकत रोक नहीं सकती, वह अपना कम करके ही रहेगी। वाहिगुरु मनुख अंदर मौजूद होके आप ही सारे पापां नूं धो के कढ देंदा है। फिर तुहानूं केड़ा रस्ता पसंद है?
पाप करन वाला ते उन्हां दीआं सजावां भुगतन वाला अते सजा वजों तकलीफां भरी जिंदगी गुजारन वाला ते फिर मजबूर होके सजा लैके सीधे पासे आउण वाला जां फिर वाहिगुरू दा सिमरन करके एक ठंडे ते आराम वाले तरीके नाल पापां दी मैल तो के अपना आपा निर्मल करन वाला ते सजा तो छुटकारा हासिल करन वाला जेड़ा रस्ता पसंद जे वह ही कर लवो। पर चेते रखो गुरु जी ने बाणे विच सानू प्रेरणा वजों कुछ आख्या सी, नस वञो किल विखो करता कर आया, दूतह दहन भया गोविंद प्रगटाया, अथवा अनेक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त भये, अंधकूप महाकोर ते बाहां पकर गुर काढ लिए। मोटरकार जदों असीं एक कार नूं चलदिआं वेखने आं तां इह बड़ी अनोखी चीज प्रतीत हुंदी है, भावें है एक बेजान जिही चीज पर जदों चलदी है तां जानदार महसूस हुंदी है। कदे दौड़दी है, कदे हौली चलण लग पैंदी है, आवाज देंदी है। इस दीआं हैडलाइटां दो अखां वांग इस नूं रस्ता विखाउंदियां ने, भावें इह बेजान है पर बिल्कुल जानदार होण वाला इसका नक्शा दिस रहा है। हां, यह है ते बेजान ते जान इहदे विच मनुख ही पाउंदा है जिहड़ा अंदर बैठा होया सारा काम कर रहा है। मोटर नूं बनाया भी मनुख ने है ते इस दी खुराक पेट्रोल भी मनुख ही पाउंदा है। जदों विगड़ जावे तां मनुख ही इहनूं सवारदा है। हर काम ते हर गल वास्ते मनुख ही इसका सहारा है। जे मनुख अणजाण है तां मोटर कदी भी चंगी हालत विच नहीं रह सकती ते ना ही पूरा काम दे सकती है। हर हिस्से विच नुक्स पैदा हो जाण दा खतरा है। पर जे मनुख सियाणा है ते मोटर नूं चंगी तरह समझदा है तां फिर मोटर हर वेले चंगी हालत विच रहेगी ते पूरा पूरा काम करेगी। जिहड़ा हाल मोटर दा है उही हाल मनुख दे शरीर दा है। शरीर भी बेजान है ते इस नूं चलाउण वाली शक्ति कोई होर है। जदों मौत आ जांदी है शरीर तां जमीन ते पिया हुंदा है, हाथ पैर अखां सारे अंग मौजूद हुंदे ने पर कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि जिहड़ी चीज शरीर तों काम कराउंदी सी ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਟਰ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ते पालन वाला मनुख नहीं हैगा। जमद्या ही दुध की खुराक कौन देंदा है अते मां की छाती विच दुध कौन पैदा करदा है? वड्डा होण ते दंद कौन देंदा है? रोटी फल यह सब खुराक नूं अंदर हजम करके उसका खून बना के सारे शरीर नूं भेजण वाला कौन है? अपने अंदर दी मशीन नूं चलाउण वाला मनुख खुद नहीं, कोई होर शक्ति है। मनुख नूं ते इना भी नहीं पता कि खाना खाण मगरों मेदा जिगर ते होर अंग किस तरह काम करदे ने ते शरीर दीआं अणगिणत नाड़ां विच खून किस तरह पहुंचदा है ते की असर करदा है। इस शरीर नूं चलाउण वास्ते जेकर कोई खुदगर्ज मनुख शैतानी बिरती वाला आप अंदर बह जाए तां अणजाण मोटर चलाउण वाले वांग कदम कदम ते ठोकरां, रस्ता साफ ना दिसेगा, मुश्किलां ते गलतियां नाल मुकाबला करेगा,
रोज़ नवीं तजवीज़ां सोच सोच के मन की बेचैनी नाल लड़दे भिड़दे जिंदगी गुजारेगा। कामयाबी ते खुशी बहुत थोड़ी ते दुख बहुत ज्यादा पाउणा पवेगा। यह गल मन्नी हुई है कि इंसानी वस तो बाहर कोई अकल ते इंतजाम इस दुनिया विच कम कर रही है ते ओ इन्नी प्रबल है कि इंसानी ताकत उस दे सामने कुछ भी हैसियत नहीं रखती ते ना ही उसनू रोक सकती है। जेड़े मनुख इस जबरदस्त शक्ति नू समझ के ओदे अनुसार कम करन दी परवाह नहीं करदे ते अपने आप नू हर गल दा करता समझदे ने अते अपनी शैताना वाली अकल ते खुदगर्जी नू मुख रखदे ने उन्हां नू अखीर उदासी ते मायूसी ही वेखनी पैंदी है। पर जिहड़े इस महाशक्ति नू पूरा समझदे तां पावें नहीं पर दुनिया दे तजर्बे तों फायदा उठा के इस शक्ति दे बनाए होए इखलाकी ते धार्मिक असूलां ते चलदे ने ओ कुछ दर्जे तक कामयाब हो जांदे ने अते अपने शरीर दी मोटर नू बहुत दर्जे तक ठोकरां तों बचा के सीधे रस्ते लै जांदे ने। हां, जिस मनुख नू इह ज्ञान हो जांदा है कि इस महाशक्ति दे अनुसार चलण तों बिना दुनिया सौखी नहीं लंघी जांदी ओ इस नू समझण दी कोशिश करदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच बहुत सारे इस तरह दे असूल दसे होए ने जिस नाल ए सुखी हो सकदा है अते सुखी हो के अपने जीवन नू आनंद नाल गुजार सकदा है। ऐसा मनुख अपने अंदर हर वेले ते हर काम वास्ते वाहिगुरु दी जोत नू मौजूद वेखदा है। उसे दी शक्ति शरीर नू चला रही है ते ओही शक्ति हर काम वास्ते रस्ता दस रही है। क्योंकि वाहिगुरु विच असफलता पीड़ दुख गलती थोड़ा आदक है नहीं। इस वास्ते ऐसे मनुख नू शरीरक बीमारी नहीं आउंदी। जे आवे भी तां बड़ी जल्दी पीड़ तो बिना ही गुम हो जाएगी। बीमारी का डर मन चो निकल जाएगा ते कदे किसी चीज की थोड़ नहीं आवेगी। वाहिगुरु बेअंत है इसलिए थोड़ कदे भी नहीं आ सकती। सब लोड़ां बेअंत पूरियां होणगियां। होर दी मंग हट जाएगी। हर वेले ते हर जरूरत पूरी होण नाल अपने कोल पैसा जमा रखण दी लोड़ नहीं रहेगी। सचखंड दे उस अतुट बैंक विच्चों बिना हिसाब तो रुपया मिलेगा। मन नू हर वेले दा सुख ते शांति मिलेगा क्योंकि वाहिगुरु हर वेले अंदर वस रहा है। दुनिया दे सारे काम सौरणगे। वाहिगुरु दे चरणा नाल मां पिता वाली असली प्रीत होवे। लोक ते परलोक दोवें सौर जाणगे। इस तों वध पला दुनिया तों होर की लैणा है। वाहिगुरु है भी के नहीं? दुनिया विच एहो जे मनुख थोड़े ने जेड़े वाहिगुरु दी हस्ती नू नहीं मनदे, पर बहुत ज्यादा ने जेड़े वाहिगुरु दी हस्ती नू मनदे ने। इसलिए उन्हां नू आस्तक आखीदा है। पर जेड़े मनदे ने ओह भी इस वास्ते कि जिस कौम विच ओह पैदा होए ने उस कौम दे धार्मिक आगुआं ने वाहिगुरु दी हस्ती मन के उन्हां कौमां विच प्रचार कीता। इस वास्ते जेड़े मनुख वाहिगुरु दी हस्ती नू मनदे भी ने ओह सिर्फ धार्मिक निश्चे मुताबक ही मनदे ने। वाहिगुरु नू दिलों समझ के पछाणन वाले ते मनन वाले मनुख बहुत विरले ने। नतीजा यह आ कि वाहिगुरु मनुखां नू एक दूर दी ख्याली चीज लगन लग पिया ते मनुख हर गल ते चीज दा करता खुद बन बैठा है। भावें ठोकरां खांदा है, बड़ियां मुसीबतां विच फसदा है, पर वाहिगुरु वल्लों अज्ञान होण करके
होर सारे दुनियावी वसीलियां दे राही कोशिश करदा है ते वाहिगुरु दी शरण विच आके मदद हासिल नहीं करदा। इस नूं इह पता ही नहीं कि वाहिगुरु दी प्रबल शक्ति कोई चीज है भी कि नहीं ते इह शक्ति किवें काम करदी है। मनुख माया दे नशे विच किन्ना मस्त होया ते भुलिया होया है कि हर वेले वाहिगुरु दी शक्ति नूं अपने कोल कम करदियां वेख के भी वाहिगुरु नूं नहीं मनदा। जरा बच्चे दे जन्म वल ध्यान दियो। गर्भ विच पलण तों लैके उसदा जन्म होण तक यह सारा कुछ किवें बन जांदा है। घट्टो घट यह सारा कुछ बनाउण विच बच्चे दी मां पिता जां डॉक्टर किसे दा भी कोई हाथ नहीं हुंदा। कोई अनोखी शक्ति ही इस शरीर दे बड़े अनोखे ताने बाने विच जान पा के उसनू एक बड़ी खूबसूरत चीज बना के जानदार बच्चा सानू बख्श दिंदी है। जे असी समझ सकीए तां इह शक्ति वाहिगुरु तों इलावा होर कोई नहीं। हुण जदों जन्म हो जांदा है तां सचमुच मनुख अपने आप नूं बच्चे दा करता समझदा है ते हुण उस दे पालण दियां तजवीज़ां सोचदा है। इस नूं याद ही नहीं रहिंदा कि बच्चे दे जन्म तों वी पहलां बच्चे दी पालणा करन लई मां दी छाती विच वाहिगुरु ने ही दुध बना दिता सी ते पालना भी उसने करनी। पर मनुख सारा कुछ भुला के आप ही करता बनन बह जांदा है। फिर कदे नहीं सोचदा कि जो कुछ मैं खवा रहा वो मूंह विच पाउण तों बाद किथे जांदी है ते किवें उसदा रूप रंग बदल के लहू ते शरीर नूं होर जरूरी चीजां बन के पच जांदी है। जे किते बच्चा बीमार हो जाए तां वी उसदी पालण वाली शक्ति वल बिल्कुल ख्याल नहीं करदे। डाक्टरां वल दौड़ना ते दवाइयां खाना ही असी बीमारी नूं दूर करन दा इको रस्ता समझे। मनुख दा यही आम ख्याल है कि भावें शरीर दे अंदरला इंतजाम वाहिगुरु ही करे पर जे उहदे विच कोई खराबी आ जाए ते वाहिगुरु कोल राजी करन दी कोई शक्ति नहीं। ये भुल मनुख दे शरीर जां सेहत तक ही खत्म नहीं हुंदी बल्कि ये भुल ते मनुख दी सारी जिंदगी विच वड़ी पई है। किसान अपनी फसल दी तरक्की इस गल विच वेख रहा है कि उसने जमीन विच चंगी तरह हल वाया है, बीज पा के पानी दिता है, सारा ध्यान इसे विच ही रहिंदा है। जिहड़ी असल गल है उहदे वल कदे ध्यान नहीं जांदा। जिहड़ा बीज तों बूटे पैदा करदा है, वधाउंदा है, फुल ते फल पैदा करदा है, उस वल कदे नहीं वेखदा। इसे तरह वाहिगुरु दी शक्ति हर काम नूं चला रही है। सूरज दे दुआले साडी जमीन घुमदी रहिंदी है, दिन रात पैदा हुंदे ने, सर्दी गर्मी बरसात मौसमां दी तब्दीली अनाज ते फलां दी पैदाइश इह सारे काम वाहिगुरु दी शक्ति दा प्रकाश ने। इंसान कदे भी नहीं कह सकदा कि वाहिगुरु नहीं है। हां जे किते वेख लवे तां इस नूं हर पासे वाहिगुरु दी जोत नजर आवेगी। चलो जे इह गल समझ आ वी जाए कि वाहिगुरु है ते उसदी प्रबल शक्ति सब कम्मां नूं चला रही है तां फिर समझ इह वी आउंदी है कि जदों वाहिगुरु दी शक्ति एक सदीवी सिस्टम विच कम कर रही है ते मनुखों दे विच कोई दखल नहीं दे सकदा, फिर सिवाए चुप होके वेखण तों इलावा होर की करिए। साइंस दी खोज यह दसदी है कि भावें वाहिगुरु दे कानून सदीवी ने ते कदे नहीं बदलदे ते भावें असी उहनां विच दखल नहीं दे सकदे, पर साडे लई एक रस्ता खुला है
जिथे बह के असी फायदा उठा सकने हैं। ते ओ रस्ता ए है कि असी वाहगुरु के कानूनों समझिए, पूरी तरह पालना करिए, ते उन्हां कानूनों के मुताबक शक्ति अते काम तो फायदा उठाइए। जिमें बिजली, रेडियो, टैलीविजन आदि के कानूनों समझ के उन्हां कुदरती शक्तियों का फायदा हासिल कर रहे हैं, इस तरह असी अपने शरीर दियां बीमारियां, मौत, थोड़, गरीबी, बेचैनी, वैर, गुस्सा, डर, खुदगर्जी ते पाप आदक विघनां नूं दूर करन वास्ते वाहगुरु दे कानून नूं समझिए ते उन्हां दे मुताबक चल के वरतों विच लियाईए, तां कि साडी जिंदगी विच पूरा सुख हो जावे। असल विच इस पासे दी खोज सिर्फ गुरुआं ने जां संतां ने ही कीती है, अते उन्हां दे तजर्बे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज ने। सिर्फ साडा ध्यान करन दी लोड़ है। दुनिया दे साइंसदानां ते संतां दी खोज विच एक बहुत वड्डा फर्क है। रब दे बनाए हुए कानूनां दी पूरी पालना करके साइंसदानां ने नतीजे ते पूरे हासिल कर लए, पर उन्हां दे कम्मां विच पूर्णता अजे तक नहीं आई। गलतियां, हादसे हर रोज वेखण विच आउंदे ने, जिस दा कारण यह है कि साइंसदानां ने वाहिगुरू नूं बिल्कुल भुला दिता है ते वाहिगुरू दे कानून नूं ही सब कुछ समझ लिया। उन्हां कोल कानून तो उत्ते कोई वाहिगुरू नहीं, जिस दा नतीजा यह है कि उन्हां दा वाहिगुरू नाल सिर्फ मालक ते नौकर दा संबंध है। जिन्ना काम कीता उन्नी तनखाह लै लई, ते जे गलती कीती ते सजा भुगत लई। संत जनां दी खोज इस तों निराली है। उन्हां ने वाहिगुरू दा प्रेम दो रस्तियां तों हासिल कीता है। उन्हां दी खोज यह है कि सिर्फ ते सिर्फ कानून जां इंतजाम भाव सिस्टम वाहिगुरू सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि प्रेम उसका एक बहुत वड्डा गुण है। इस वास्ते संत जनां दा संबंध वाहिगुरू नाल मां पिता अते पुत्र वाला है। पुत्र भी कानून अथवा इंतजाम तो बाहर नहीं जा सकता, पर पुत्र होण करके ओ पिता दे सारे गुण ते सहूलतां विरसे विच लै लैंदा है। ते फिर सब तो वड्डी गल, प्रेम विच गलतियां दी मुआफी हुंदी है। वाहिगुरू आप रस्ते ते पा के गलतियां तो बचा देंदा है, काम कार विच कोई विघन नहीं पैंदा। पिता दे प्यार दियां सारियां बख्शिशां संतां कोल हुंदियां ने, पर साइंसदान इस तों वांझे रह जांदे ने। संतां नूं सब तों वड्डी बख्शिश फिर वाहिगुरू नाल एकता दी हासिल हो जांदी। प्यारे वीरो, हुण तुसी आप फैसला करो, तुसी किस रस्ते जाना चाहुंदे हो? की तुसी पसंद करदे हो कि वाहिगुरू नूं भुला के दुनिया दियां लहरां दे थपेड़े खांदे हुए बेचैनी दी जिंदगी गुजारीए, अते बीमारी, काटे, थोड़ा फिकर ते तकलीफां साडा पिछा ही ना छड्डन, जां तुसी वाहिगुरू दी शरण विच आ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हुक्मां मुताबक अपना जीवन बनाउणा, जिथे हर हाल पक्के तौर ते पाप, बीमारी, मौत, थोड़, बेचैनी कदे दिसणगे भी नहीं। वाहिगुरु दी शरण विच हमेशा दी खुशी, शांति, सदीवी सेहत अते कदे ना मुक्कण वाला रिजक, ये सारा कुछ बिना मंगण तो मिलदा है। तुसी अपनी पसंद दा रस्ता चुनो ते सुखी जीवन जियो। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। बहुत सारे गुरद्वारियां विच भोग पाउण वेले असीं इह शब्द सुणदे हां, संगत नाल मिलके बोलदे भी हां, पर इन्हां बचनां नूं गुरद्वारे दे अंदर ही छड्ड आउणे हां।
कदे भी अपने नाल नहीं लियांदे ते ना ही कदे सोचिया है कि यह सुनेहा जिहड़ा सानू रोज दिता जा रहा है यह की है। यह एक सच्चा वचन ते सच्चा वायदा है जां फिर एवें दिल नू तसली देने वास्ते कहा जांदा है। असी सिर्फ इसे वचन नाल लई इस तरह का रवैया भाव अणगहली वाला वतीरा नहीं रखते बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह दे सारे सब शब्दां दे प्रति ही इहो जी अणगहली वाली भावना रखनी है। असी वध तों वध सिर्फ जुबान नाल सुनना जां पढ़ना ही सिखी समझने हैं, इस तों अगे कदे नहीं जांदे। हां जदों किते मुसीबत आ पवे ता फिर हाथ जोड़ के वाहिगुरु तो मदद वास्ते अरदासा करदे हैं ते जे अरदास दा नतीजा मतलब मुताबक ना निकले फिर निराश होके असी गुरु तो अपना भरोसा खराब कर लेने। प्यारे गुरसिखो जरा मन विच विचार तां करो कि गुरु नूं खुश करन लई साडे इहो जिहे तरीके बहुत ने। असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं सुंदर रुमाले विच लपेटीए, कड़ा प्रसाद दा भोग लवाईए, निम्रता ते अदब नाल मत्था टेकीए, पर जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहण ओह ना ते सुणीए ते ना ही उस ते अमल करिए, ते फिर कहीए भी असी पूरे सिख हां क्योंकि पाठ रोज करने आ, की ये हो सकदा है? कि इस तरह असी वाहिगुरु दीआं मेहरां लैण दे हकदार हो गए हां? भला सोचो हाँ तुहाडा मन की जवाब देंदा है। औकड़ वेले जे वाहिगुरु वल मदद वास्ते तकीए तां साडे इहो जिहा रवैये मुताबक सानू की लाभ हो सकदा है? इत्थे उहो जिही गल है, एक पुत्तर सवेरे उठ के मां प्यो दे चरणां ते मत्था टेकदा है पर उन्हां दे दसे होए कम्मां ते हुक्मां वल ख्याल नहीं करदा, पूरी मनमानी करदा है। दूजा पुत्तर सवेरे उठ के मां प्यो दा अदब भी करदा ते सारे दिन दे कम सुन के शाम नूं पूरे करके रिपोर्ट भी लिया सुणाउंदा। इन्हां दोहां विच्चों भला मापिआं नूं कौन प्यारा हो सकदा है? तुसीं आप ही सोचो, पुत्तर ते कपुत्तर दा दर्जा किस नूं मिलेगा? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना, सत्कार करना, मर्यादा पूरी करनी, इह वी तां ही फल देंदा है। पर जे चाहुंदे हो कि वाहिगुरु अगे साडी अरदास खाली ना जावे तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दसे होए हुकम उन्हां दी पूरी तरह पालना करो। पाठ करना पहली मंजिल है, आखरी नहीं, इसलिए अगे चलो। साडे लई जरूरी है कि असी गुरु के शब्दां दी विचार करिए, अमल करिए ते उस शब्द विच जिहड़ा वायदा कीता होया है वह हासिल करिए। भाव हुणे असी पढ़ रहे सां वाहिगुरु नाम जहाज है, वह कित्थे है, इस विच किवें चढ़ीए ते फिर किवें असी दरिया जां समुद्र तों पार जाइए। ये माया दी दुनिया जिस विच असी वस रहे हां इह ते निरा तकलीफां दा घर है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच इस नूं अगन सागर भाव अग दा समुद्र आख्या। असी सारे इस दीआं तकलीफां दी अग विच सड़ रहे हां ते निकलण दा कोई रस्ता नजर नहीं आउंदा। शब्द ही इस सागर नूं सौखियां पार लंघण दा तरीका है। हां इस जहाज विच चढ़न वाले नूं पहला वाहिगुरु जिस नूं असी हर वेले गैर हाजर समझने हां उस नूं सर्व व्यापक समझण दा अभ्यास करना जरूरी है। गुरु जी ने आख्या सी ओ ते कट कट वासी सर्व निवासी नेरै ही ते नेरा। जिन्ना जिन्ना असी अभ्यास करके वाहिगुरु नूं हर चीज विच ते हर वेले मौजूद वेखांगे उन्ना उन्ना ही माया दे दुखां दा नाश होवेगा अते सुख आनंद ते शांति पैदा होणगे। माया जो कि हनेरे दा रूप है, इह ते वाहिगुरु दी गैर हाजरी दा नाम है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਹੜ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਾਨਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਫੌਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪੇ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਵੇਖੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਭੁੱਲ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਪਾਪ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪਾਪ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਦੀਵੀ ਸਿਹਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅੰਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਚੈਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਈਏ। ਜੇ ਨਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਹੀ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੈਦਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪਾ, ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਅੰਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖ ਤੇ ਚੈਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਨਾ ਮਨੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਮਨੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ।